हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 29 अप्रैल 2022 है और हमें अभी अल्मोड़ा में, आज हमारा लास्ट दिन है। हालांकि तकरीबन एक हफ्ता हम अल्मोड़ा में रहे और इस एक हफ्ते में हमने कुछ नहीं किया, अल्मोड़ा एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो उधर रानीखेत और कोसानी की तरफ जरूर चले गए लेकिन अल्मोड़ा सिटी को हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। यहाँ पे कुछ बाल मिठाई के कुछ विक्रेता, बाल मिठाई के आविष्कारक वो थे, लेकिन भाई हम हैं आलसी आदमी और मिठाई खाना हम जानते हैं, हम वो बाकी सब नहीं जानते। अभी क्या है कि आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और कल सैटरडे, फिर संडे। तो जो मनोरंजन सर है यहाँ के, जो हमारे जो दोस्त हैं जिनके घर पर हमने कब्जा जमा रखा है, वो आज तक यहीं पर थे और आज वो रुद्रपुर चले गए। रुद्रपुर में उनकी फैमिली है, कल परसों की उनकी छुट्टी है तो इसलिए रुद्रपुर चले गए। घर की चाबी उनकी अभी हमारे पास ही है तो चाबी हम यहाँ पे, उन्होंने किसी को कहा है कि ऐसे ऐसे उसको दे देना, तो हम यहाँ से लोक करके चाबी उसे दे देंगे। और फिर अभी हम निकल रहे हैं जागेश्वर की तरफ, वृद्ध जागेश्वर। जो मेन जागेश्वर है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, इस वीडियो में जागेश्वर नहीं दिखाने वाले हैं। वृद्ध जागेश्वर की तरफ एक दोस्त, एक होमस्टे वाले हैं, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं तो उनके यहाँ जाएंगे, उनका होमस्टे वगैरह आपको दिखाएंगे। रास्ते में चितई गोलू देवता का मंदिर पड़ेगा, वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे। पूरे रास्ते के नज़ारे तो है ही। चल पड़े जी अल्मोड़ा से, जय अल्मोड़ा। और एक मज़ेदार बात बताऊँ भाई, मौसम हो रहा है ख़राब, तूफान आएगा, तूफान, और हो सकता है तूफान के साथ थोड़ी बहुत बारिश भी पड़ जाए। और अगर तूफान और बारिश एक साथ हो रहे हैं तो भैया तीसरी चीज़ और भी होगी और वो है ओले। तो आज देखो क्या होता है। चलो ठीक है जी, बाय बाय, नमस्ते जी। चाबी भी दे दी भैया, अपना काम भी हो गया। थैंक यू मनोरंजन सर, आपका बहुत बहुत वेरी मच मच थैंक यू। और अभी जो है भाई बिजली कड़क रही है ज़बरदस्त, बारिश वारिश तो उतनी नहीं होगी लेकिन ये जो बिजली कड़क रही है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बिजली से डर लगता है। पूरा कुमाऊँ, उत्तराखंड और पूरा हिमालय ना बारिश की भैया वेट कर रहा, आधे घंटे की हो जाए बस। अब जी अल्मोड़ा से बाहर आ गया ना तो भाई टंकी हो रही है खाली और हमारे वहाँ पर याद नहीं रहे पेट्रोल डलवाना। बात तो हम कर रहे थे बाइक बाइक उठाने से पहले, लेकिन जब बाइक उठाई भूल भाल गए। फिर वहीं पर एकदम बगल में दो पेट्रोल पम्प थे, अब हमें वापस जाना पड़ेगा दत तेरे की। उधर हो रहा है मौसम बारिश का, चलो 5 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। इस पे इस वाली पे नहीं है, इस पे नहीं है, तेरह किलोमीटर। अच्छा ठीक है, 13 तो चल जाएगी, चलो ठीक है भाई। पेट्रोल नहीं है और 13 किलोमीटर बता रहे हैं जी, 13 किलोमीटर। इसमें से थोड़ी सी चढ़ाई है और थोड़ी सी उतराई है, बस चढ़ाई पे काम हो जाए, उतराई पे तो मैं कर लूँगा, या फिर वापस 5 किलोमीटर जाके है। तो फिलहाल देखते हैं आज क्या होता है। अगर आज तेल ख़त्म हो गया ना तो लाइफ में पहली बार ऐसा होगा कि तेल ख़त्म। लेकिन हमें ना निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचना है बढ़िया। और 13 किलोमीटर हमारी बाइक चल जाएगी, चला दूँगा मैं, चढ़ाई ज़्यादा नहीं है। और अगर तेल ख़त्म हो गया तो वह दीप्ति बैठी है पीछे, ये धक्का मारेगी। बहुत रोटियां खा के आ रही है। ढलान मिला जी हल्का सा, अब देखते हैं कितनी दूर तक है। फिर से चढ़ाई आ गई, फिर से तेल, जहाँ भी चढ़ाई वहीं तो तेल का कंजप्शन होगा। रास्ते में गोलू देवता का मंदिर पड़ेगा, उनके दर्शन करने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। गोलू देवता जी से तेल का ही आशीर्वाद मांगना है, बाकी कुछ नहीं। आ गया जी कई किलोमीटर का ऑफिशियल ढलान, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हमारी बाइक आराम से। गोलू देवता जी थैंक यू वेरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मनोकामना एकदम ही पूरी कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ढलान मिल जाएगा। और मौसम हो रहा है फुल बारिश का, बस बारिश हो जाए आधा घंटा, लेकिन हमारे पहुँचने के बाद हो, हम इस बारिश में भीगना नहीं चाहते। यही है ना गोलू देवता, हाँ यही तो है। चितई, चितई पहुंच गया जी, और गोलू देवता का मंदिर अभी आने वाला है वोरा राइट में, हाँ वही है शायद, देखते हैं। हम पहुंच गए जी गोलू देवता जी के मंदिर पे, और ये बहुत फेमस मंदिर है, अल्मोड़ा से 7-8 किलोमीटर दूर है, चितई गोलू देवता। कुमाऊँ में क्या है कि गोलू देवता जी की बहुत मान्यता है, गोलू को जो है ना
न्याय का देवता माना जाता है। कुमाऊं में बहुत सारी जगहों पे गोलू देवता के मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन चितई का ये मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घंटियाँ चढ़ी हुई है। अच्छा, लोग बाग ना चिट्ठियाँ, किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो, हंसी की बात हो, दुख की बात हो, शादी हो, कुछ भी हो, गोलू देवता जी को निमंत्रण जरूर भेजा जाता है। गोलू जी को चिट्ठियाँ, ये जो सब लिखे हुए ना कागज़, पूरे मंदिर में हजारों लाखों चिट्ठियाँ लिखी हुई है। और हालांकि देखो, किसी की चिट्ठियाँ पढ़नी तो नहीं चाहिए, वो एक ह्यूमैनिटी की बात होती है। तो हमने किसी की भी चिट्ठियाँ नहीं पढ़ी, और किसी की चिट्ठियों में क्या लिखा हुआ वो हम आपको दिखाएंगे भी नहीं, एज ए सैंपल भी नहीं दिखाएंगे। अच्छा, मौसम वही हो गया जैसी हमें उम्मीद थी, और तूफान चल रहा है अभी। हालांकि अभी बूंदाबांदी बारिश जो है शुरू नहीं हुई है, लेकिन तूफान बहुत तेज़ चल रहा है। आप जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख भी सकते हो, तो ऐसे तूफान में, ऐसी हवा में हम आगे तो बढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जब ये हवा बिल्कुल शांत हो जाएगी तब बढ़ेंगे। उसमें रिस्क रहता है, ऊपर से कोई लकड़ी आगे गिर जाए, डंडा आगे गिर जाए, किसी का टीन जो होती है वही आगे गिर जाए, इवन कोई पेड़ गिर जाए, तो उसमें खतरा रहता है। तो ऐसे तूफान में हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो गोलू जी के मंदिर में और अपना 5 मिनट बैठते, 10 मिनट 15 मिनट और बैठ लेंगे, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी हवा बहुत तेज चल रही है जी, और ये जो सारी टीन वगैरह है ना, ये सारी की सारी बुरी तरह से बज रही है। तो जब तक ये हवा तूफान चलता रहेगा तब तक तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ पे भाई जगह मिल गई बैठने को, कांगे दीप थियरी। तो तकरीबन 15-20 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में ये हवा तूफान सब शांत हो जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ से चलेंगे। क्या पकौड़ियाँ बन रही हैं? एक प्लेट पकौड़ी लगा देना हमारे लिए, और दो चाय बना देना। हाँ, अब बारिश है तो मजा लो ना बारिश का थोड़ा, है नहीं भाई? पानी की बहुत दिक्कत है ना, बारिश हो जाए तो अच्छा है, तो आग वगैरह भी रुक जाएगी। आग रुक जाएगी, हाँ, जगह-जगह जंगल जल रहे। क्या मक्खियाँ? हाँ, मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। बारिश से बढ़ने जाएगी मक्खी? कम हो जाएंगी। अच्छा जी, हाँ, गर्मी से ज्यादा होती है। अच्छा, गर्मी से ज्यादा होती है। चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैल गई है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। मानसून जैसी फीलिंग होगी आधे घंटे में ही, और ऊपर से पकौड़ी एकदम ताजी गर्मा गर्म। चल पड़े जी, 6:30 बजे हैं और बारिश हो गई है बिल्कुल बंद, लेकिन हमने ना रेनकोट पहन लिया, क्या पता आगे कहीं पे मिल जाए। जय गोलू देवता। अच्छा, और रेनकोट पहनने का एक कारण और भी है, बताऊँ क्या है? क्योंकि बारिश होने के बाद बढ़ गई है थोड़ी सी ठंड, और हम जो थे ना भैया टी शर्ट पहन के निकल लिए थे, तो अब तो ठंड में हमारी कुकड़ी बन जाती, वो कुकड़ी भी नहीं बनेगी। अब बड़े फायदे होंगे ना रेनकोट के। तो चलो नोक, अब बाइक भी तो बंद करनी है मुझे, बिल्कुल बंद एकदम। हाँ, मैं भूल ही गया था कि टंकी खाली है। 9 किलोमीटर दूर है अभी पेट्रोल पंप, 9 किलोमीटर और खींच दे बस। बढ़िया सोंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, जो पहली बारिश होने के बाद आती है ना, वो आ रही है। इसको सूंघने में जो मज़ा है भाई साहब, कमेंट करके बताइए कितना मज़ा है। अब आएगी जी चढ़ाई। अभी कितने किलोमीटर और बचा हुआ है? 4 किलोमीटर और बचा है पेट्रोल पंप। 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, और बाइक की सुई बिल्कुल जीरो पे अटकी हुई है जब से अल्मोड़ा से चले हैं तब से ही। वैसे मैं ऐसी गलती करता नहीं हूँ, लेकिन भाई हो गई तो हो गई, मैं क्या करूँ। पेट्रोल पंप और बाइक भाई यहाँ तक आ गई, इसके लिए डिस्कवर की जय हो। अबे कैश भी ना हम पे। चल कोई नहीं, कैश नहीं है, पहले तेल डलवा उसके बाद बताएंगे कि कैश नहीं है। फुल कर देना। 108 रुपये 39 पैसे, 1202 रुपये का है जी, 11.09 लीटर। वैसे भी 100 रुपये का और आ जाता, पर भाई ने 100 रुपये का कम डाला है। चलो कोई ना आगे ना, अब तो रहने दो। टंकी एकदम खाली थी ना, तो 12 लीटर इसमें आ ही जाता है। चलो कोई नहीं, 1202 रुपये काट लो। अब हो गई जी बाइक फुल, और अब जो है भाई कुछ भी हो, आंधी हो, ओले हो, पोले हो, तूफान हो, कुछ भी हो, अब मस्त बेफिक्री हो गई बिल्कुल। और अब जो है ना हम बाइक को बंद भी नहीं करेंगे, न्यूट्रल भी नहीं करेंगे, भले ही ढलान आए, चढ़ाई आए, कुछ भी आए। निकल जा भाई, निकल जा। अच्छा है, एक चीज़ और है भाई, मौसम आज बारिश हो गई ना बढ़िया, और रात को भी थोड़ी बहुत अभी भी हो ही रही है, पता नहीं कितनी देर तक होवेगी। इतनी देर तक वैसे मुझे उम्मीद ना लग रही थी भाई, बारिश की वजह से जंगल की आग तो देखो ख़त्म सी होगी, जो घास घूस में लग रही थी वो तो ख़त्म होगी, लेकिन जो ये मोटे मोटे ठूंठ में और पेड़ में लग रही थी ना,
ये खत्म नहीं हुई है, देखो जैसे ये लगी पड़ी है, ये लगी पड़ी और अरे बहुत यहाँ पे देखो, वैसे तो ना दिख रहा होगा, अंधेरा हुआ पड़ा, वैसे तो ना दिख रहा होगा, कोई और सड़क के नज़दीक पेड़ जल रहा होगा ना, वो दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे पनवा नौला के आसपास एक येरा देखो देखो येरा, ये भी ठूंठ में आग लगी पड़ी है, ये तो काफ़ी बड़ा ठूंठ है ये, तो घास की जो छोटी छोटी आग थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो पेड़ में जो लगी हुई थी ना उनके लिए तो एक घंटे की मूसलाधार बारिश भी कम है। हाँ पेड़ के अंदर लगी पड़ी है कई जगहों पे, तो अब ये गोप्रो देखो रात को तो उतना बढ़िया कैप्चर नहीं करता, तो आप समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। जहाँ पे जी हमें पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और ये देख लो भाई कमरा उमरा ऐसा था, अल्मोड़े से टी शर्ट पहन के चले जी बाबूजी, ये देखो जैकेट उतार दूं मैं, अल्मोड़े से टी शर्ट पहन के चले जी बाबूजी, नवाब महाराज शहंशाह अकबर पधार रहे हैं, और भाई साहब जैसी थोड़ी सी बारिश पड़ी एकदम कुकड़ी बढ़ गई, मफलर गर्मा गर्म जैकेट बिल्कुल अल्मोड़ा की पैक हुई रखी, हटा पहले थोड़ी देर हाथ सेक लू हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, थोड़ी देर पहले पंखा चल रहा था, गर्मा गर्म चाय एकदम मस्त लग रही है, थोड़ी देर पहले लस्सी चल रही थी ठंडी ठंडी फ्रिज की,